भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का स्वरूप बहुत जल्द ही बदलने वाला है। एनडीए का कुंबा बढ़ता रहे भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी चुनौती होती है और इस चुनौती को पार पाने में भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रहती। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी ने एनडीए को मजबूत बनाने की कवायद भी शुरू कर दी और इसकी वानगी देखने को मिली है नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आपको यहाँ बताते चले कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किए जाने से कई विपक्षी दल नाराज हुए और उन्होंने इस उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी। उन सियासी दलों ने लोकतंत्र के नए मंदिर के उद्घाटन समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि वो उससे रूठे हुए दलों को बिल्कुल भी नहीं मनाएगी, बल्कि उन सियासी दलों से अपने रिश्ते मजबूत करेगी जिन दलों ने इस उद्घाटन समारोह में शिरकत की। जी हाँ, जो सियासी दल इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं उनके साथ पहले भी भाजपा के सहयोगी रिश्ते रह चुके हैं, तो अब ऐसे में भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि वो इन दलों को भाजपा के धुर विरोधी खेमे से दूर रखे। बीजेपी की ये कोशिश इसलिए भी है क्योंकि इन सियासी दलों का अपने राज्यों में काफी रसूख है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी ताकत और उनका सामाजिक समर्थन भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आपको उन सियासी दलों के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं जो भाजपा को 2024 में एक बार फिर सत्ता में लाने में पूरी मदद करेगी। आंध्र प्रदेश की YSRCP यानी युवजन श्रमिक रायथ्रू कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम ने अपने नुमाइंदे नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भेजकर एक बड़ा संदेश दिया। समूचे आंध्र प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का बड़ा महत्व है। यहाँ की 25 लोकसभा सीटें इन्हीं दोनों पार्टियों के पास है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों दलों को एनडीए में जोड़ना बेहद जरूरी भी है और बेहद फायदेमंद भी। अब बारी आती है पंजाब के अकाली दल की। वैसे तो अकाली दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं है क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त अकाली दल का एनडीए से मोह भंग हो गया था, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन पर अकाली दल मौजूद रहा। आपको बताते चले कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकाली दल का विशेष प्रभाव है, लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से अपने रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश कर सकती है। खैर, अब नंबर आता है उड़ीसा के बीजू जनता दल का। बीजू जनता दल भी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहा। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर बीजत का सीधा प्रभाव है, इसलिए एनडीए में उसका सहयोग काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने तो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी इस उद्घाटन समारोह का हिस्सा रही। पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी का जादू भले ही नहीं चल रहा हो, लेकिन ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसका जनाधार काफी फैला हुआ है। यूपी कह सकते हैं कि समूचा दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के पास ही है, लिहाजा उसे एनडीए के बेहद अहम हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार में बड़ा जनाधार रखने वाली लोक जनशक्ति पार्टी पासवान गुट का झुकाव भी एनडीए की तरफ है और ये संसद भवन के उद्घाटन समारोह में साफ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कई सियासी दल अब एनडीए के साथ हैं। जो नहीं भी है उन्हें एनडीए के साथ लाने की कोशिश भी जोरों पर है। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीतकर कई दलों को अपने साथ लाने में कामयाब हो रही है, तो बीजेपी के लिए इन सियासी दलों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बहरहाल जाहिर है कि ये दल जिनकी अभी हमने आपसे बात की है वो भारतीय जनता पार्टी को उसके मंजिल तक पहुंचाने में सीधा सहयोग देंगे। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही और हम आपसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है जिन पार्टियों का हमने जिक्र किया वो पार्टियां आप सीधे खुलकर एनडीए का सपोर्ट करेंगी?